बस न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा सा। देखिए आज की खास रिपोर्ट। कटिहार में बाढ़ पूर्व एंटी रोजन कार्य की गुणवत्ता पर उठ रहे हैं सवाल। साथ ही 15 जून तक कार्य पूरा कर लेने के दावा भी फिलहाल असंभव दिख रहा है। गंगा के बाद महानंदा नदी से जुड़े इलाके में भी काम को लेकर स्थानीय लोग कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। शेखपुरा गमहरगाछी इलाके में महानंदा नदी के जद वाले इलाके में एंटी रोजन कार्य में कई तरह की खामियां हैं। स्थानीय लोग काम संबंधी बोर्ड नहीं लगवाने पर भी सवाल उठा रहे हैं, जबकि कटिहार के पूर्व सांसद तारिक अनवर भी इस पर सवाल उठाते हुए बाढ़ को महालूट का बड़ा मौका बता रहे हैं। पूरे मामले पर कटिहार जिला अधिकारी ने लोगों को आश्वस्त किया है कि वह खुद से और अपने अधिकारियों के माध्यम से लगातार सभी बांधों का निरीक्षण कर रहे हैं। जहां भी कोई कमी है उसे तुरंत दूर किया जाएगा और जो भी अधिकारी या संवेदक के द्वारा काम की गुणवत्ता से समझौता किया जा रहा है उन पर कार्रवाई होगी। कुल मिलाकर बाढ़ के रेड जोन माने जाने वाले कटिहार के लिए गंगा महानंदा और कोसी नदी से घिरे बाढ़ पूर्व तैयारी को लेकर काम होने के बावजूद संकट बरकरार है। देखना है कि स्थानीय लोग और प्रतिनिधि जो सवाल उठा रहे हैं प्रशासन इन सवालों को गंभीरता से लेकर कितना जल्द इन चीजों को दुरुस्त करता है ताकि बाढ़ के दौरान नुकसान कम से कम हो सके। अभी तक कोई जो फ्लड फाइटिंग की जो तैयारी होनी चाहिए वो नहीं हुई और जब फ्लड आएगा तब उसके बाद ये शुरू होगी। तो ये जो हमेशा से जो सिलसिला चला रहा है जो कहा जाए कि एक भ्रष्टाचार का एक जरिया बन चुका है और बाढ़ में लगता है कि बाढ़ का लोग इंतज़ार करते हैं कि कैसे बाढ़ आए ताकि हम उसका लाभ। महानंदा नदी में काम हो रहा है, एंटी रोजन का काम हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, कैसा हो रहा है? गमहरगाछी शेखपुरा के अंदर टोला गमहरगाछी। अब तो अभी तक हम लोगों को ना तो बोट लगाया है और ना तो हम लोगों को DPR दिया है। जो भी विभाग से पूछते हैं स्कूटी से इंजीनियर से और जल विभाग से वो यही बोल रहे हैं कि बोले हाँ मट्टी डलेगा, हाँ और उसमें बोरिंग में मट्टी डल रहा। हम लोग ऑब्जेक्शन उठाए और उन लोग कह रहे हैं कि भले नहीं जो है इसमें मट्टी डलेगा मट्टी का ही। तो हम लोग कह भाई हम लोग को लिखित में दिखाइए DPR दिखाइए, हम लोग देख लेंगे, हम लोग मान जाएंगे कि हाँ। तो अभी तक हम लोग को ना दिखाया ना बोट, अब वो अपने हिसाब से काम हो रहा। हम लोग बहुत बार कोशिश किए देखने का लेकिन हम लोगों को नहीं दिखाया है। अब ये इशू है उसको रिजॉल्व कर लिया जाएगा क्योंकि बाढ़ निरोधी कार्य है और इसको एक समय सीमा के अंदर में किया जाना है। हमारी पूरी टीम अभी इसकी हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। मेरे द्वारा भी कई बांधों का निरीक्षण किया गया है, आज भी बांध होते हुए मैं आया हूँ, निरीक्षण करते हुए आया हूँ। जो भी बाढ़ के पहले जितनी भी परियोजनाएं चल रही है वो हम लोग पूर्ण करेंगे और जहाँ भी कटाव निरोधी या बाढ़ निरोधी कार्य करना है उसको भी अच्छी तरीके से हम लोग करेंगे। जहाँ जो भी लैप्सेस है वो भी हम लोग ठीक कराएंगे, दोषी पर कार्रवाई भी करेंगे। सर आपके आने देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्टेट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।